a small family. My wife's name is Deepali. I have two kids. One is Saurish and Shriyudra. Saurish is 5 years and Shriyudra is 3 years. My birthplace is Mumbai. Hobbies are traveling, the safari and food and all. Walking and talking is my favorite thing. संपर्क से ज़्यादा मुझे अभी और अच्छा लगने लगा है कि लोगों मिलने से काफ़ी अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर बहुत अच्छा आता है. और बिजनेस में काफ़ी सारे इनपुट, जैसे अभी एक ऑडिट के बारे में मैंने अभी जो सुना, तो हमारी साइट कंप्लीट होने के बाद ये बहुत नीडेड है, क्योंकि साइट तो बहुत अच्छे से हो गई बट उसके बाद हमें अगर ऐसा कोई ऑडिट मिलता है तो क्लाइंट के लिए सेफ्टी सोल्यूशन हम दे सकते हैं. ये बहुत अच्छी बात मुझे आज पता चला. तो संपर्क में आने से ये मेरे लिए बहुत अच्छा फायदा हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ नया मिलते रहना. थैंक यू. मेरा बिजनेस 2005 से मेरा ऑफिस एस्टैब्लिश है और आर्किटेक्चर और इंटीरियर बिजनेस सॉल्यूशंस हम लोग देते रहते हैं. इसमें इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, इसमें कमर्शियल स्पेस से लेकर रेजिडेंशियल और सारी जितने भी हम लोग सर्विसेज देते हैं, ये टर्म की बेसिस पे भी होती है और कंसल्टेशन बेसिस पे भी होती है. एज पर क्लाइंट्स की जो भी उनकी छोटी रिक्वायरमेंट हो, बड़ी हो. नेक्स्ट, डिज़ाइन ब्यूरो एक हमेशा काम करते रहते हैं, कंटिन्यूस इनोवेशन बोल सकते हैं कि हम लोग वो भी मार्केट में नया कोई ट्रेंड बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के एक कमर्शियल स्पेस था जो शायद 8 फीट बाई 8 फीट का था, ये भंडारा का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो उनका ड्राई फ्रूट का शॉप था बट उनको एक बड़े प्रीमाइसिस में जाना था और बड़े प्रीमाइसिस में उनकी दिक्कत ये थी कि उसमें भी वो सारा प्रोडक्ट्स नहीं आने वाला था. तो हमने एक उनको ऐसा सजेशन दिया कि भाई इसको सारी चीज़ें आप एक 2 या 4 क्वान्टिटी में आप डिस्प्ले करो. उन्होंने अराउंड 600 स्क्वायर फीट का शोरूम बनाया हमारे से. और उसके बाद जैसे हमने शोरूम हैंड ओवर किया तो 4 टाइम्स बिजनेस इंक्रीज हो गया. प्रोडक्ट्स वही थे बट डिस्प्ले और प्रॉपर प्रेजेंटेशन की वजह से उनका बिजनेस दुगना हो गया. और फिर 3 साल के अंदर हम लोग फिर से उनका 800 स्क्वायर फीट का हम लोग फिर से शोरूम करने जा रहे हैं. तो होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास सब कुछ होता है जो हम प्रोडक्ट रोज, हमारे को पता होता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं बट जब तक दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं. और दिखने के बाद भी वो कैसा दिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रोफेशनल करता हूँ कि थोड़ा स्टार्ट करो, बिजनेस पे रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसा डालने के बाद पैसा निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है आज के तारीख में. ग्रुप के साथ में, डिजाइन ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद में मुझे भी एक अच्छी सर्विसेज लगती है ताकि हम लोग एक रिपूटेड वर्क कर सके. और आज 15-20 साल से हम लोग जो भी लोगों के साथ में काम करें, जो भी कंपनीज के साथ काम कर लें, इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि हम लोग कुछ अच्छा डिलीवर कर सकते हैं लोगों के लिए. इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपके घर में अगर कोई ग्रीनरी हो तो ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो. तो बहुत सारे ग्रीन सॉल्यूशंस हम लोग देते रहते हैं जो कि लोगों के लिए हेल्दी हो. चूज अस के लिए बहुत सारे रीजंस हैं. इसके लिए मैंने अभी जो 2-3 चीज़ें बताई कि कॉस्ट फैक्टर होता है हर एक के लिए, क्योंकि हर चीज़ एक पैसे लगा के ही की जा सकती है. ऐसे क्वेश्चन के कुछ चीज़ें बिना पैसे लगाए भी की जा सकती है. हो सकता है फॉर एग्जांपल आपको एक दीवार का पेंट करना हो, पेंट तो सभी करने वाले हैं और फर्नीचर भी सब बनाने वाले हैं, बट हो सकता है वो पीला कलर की जगह शायद नीला कलर अच्छा लगे या नीले की जगह व्हाइट भी अच्छा लगे. ये कभी कभी एक प्रोफेशनल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. अगर वो सही गाइड करे तो वो आपका वही चीज़, खर्चा तो आप करने वाले थे, ऐसा नहीं कि आप पेंट नहीं करने वाले, बट हो सकता है वो प्रोफेशनल की माइंड सेट या उसका सजेशन से उसका एक लुक बहुत चेंज होता है. अल्टीमेटली हमारे सिर्फ एक फुल फील गुड फैक्टर होता है कि यार मैंने तो बहुत खर्चा कर दिया पर मुझे तो बहुत पसंद ही नहीं आया. पसंद नहीं आना मतलब यही सब चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ को एक ढंग से उसको दिखाना होता है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि जैसे डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइनर आपके यहाँ आता है, आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में एक ड्राइंग देता है जिसमें 2D लेआउट्स हो सकते हैं, एलिवेशंस हो सकते हैं, कोई रेफरेंस पिक्स हो सकता है. ये सारी चीज़ें हमारे होती है. इनिशियल स्टेज में ही कोई क्लाइंट को ये नहीं पूछा जाता कि नहीं यार तू खर्चा कितना कर रहा है. खर्चा सेकेंडरी है, थर्ड है, फोर्थ. पहले तो उसकी नीड समझिए कि उसको चाहिए क्या.
क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिलेगा तो ही आपके पास आएगा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक वो ट्रस्ट चाहता है कि मैं इसके साथ में खर्चा करूँ या नहीं करूँ। वो अगर 50 लाख मेरे साथ खर्चा करेगा, 1 करोड़ खर्चा करेगा, तो वो ये तो जरूर सोचेगा कि भाई मैं ये इसके साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरा ये पता नहीं 1 करोड़ खर्चा करवा देगा और बाद में पता चला कि चले गए मेरे पैसे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारा जो वर्क है, इसलिए हम लोग पहले उनको एक प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको एक 3D व्यूज तक के हम ले जाते हैं, कुछ रेफरेंस देते हैं, उसमें से उनके आउटकम्स आते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। ये सारी सर्विसेज हम लोग पहले इनिशियल वर्कआउट करके हम लोग करते हैं। प्रोजेक्ट्स में से हमने सभी कैटेगरी में काम किया है, जैसे पहले ये दिख रहा है ये रेजिडेंशियल है जो कि गोदरेज आनंदन में किए हुए हैं। नागपुर की जितनी भी बड़ी रिनाउंड टाउनशिप्स है उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। सेकंड में जो भंडारा का प्रोजेक्ट बताया आपको, जो ड्राई फ्रूट्स का शॉप दिख रहा है, ये हमने आपको बताया था, ये 2018-19 का है। रिसेंटली अभी हम इनका न्यू प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो कि बेकरी है। थर्ड इज सिविल कंस्ट्रक्शन, ये हमारा खुद का एक फर्म है श्री गजानंद अपार्टमेंट, जिसके लिए हम कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग और भी करते हैं। नेक्स्ट, ये एक रेजिडेंशियल डिज़ाइन किया हुआ रेशम बाग में, डॉक्टर जोगी हैं उनके लिए हमने किया था। इनकी एक स्टोरी ऐसी थी कि इन्होंने पहले कुछ काम कराया था और कुछ अनुभव उनके किसी के साथ ठीक नहीं थे, तो ये प्रोजेक्ट हमारा रेफरेंस से थ्रू आया हुआ है। और इनके लिए सिर्फ हमने सैंक्शन के लिए कुछ पुटअप्स दिए थे और कुछ प्लानिंग में चेंजेस सजेस्ट किए थे, उन्होंने उठा के दूसरे दिन फाइल हमारे पास ला दी पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर। और ड्राइंग डिजाइनिंग से लेके NIT सैंक्शन से लेके उसको इलेक्शन तक पूरा डिलीवर किया हुआ है, विद इन 1.5 ईयर में हमने ये डिलीवर किया हुआ है। दूसरा बंगलो जो है ये 1500 स्क्वायर फीट में हमने दिया हुआ है, एक मनीष नगर में हमने इनको प्लानिंग से लेके डिजाइनिंग तक पूरा डिलीवर किया हुआ है। और इसमें एग्जीक्यूशन मेरे खुद के एंड से होता है। तीसरा हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट है एडलवाइज। एडलवाइज एक इंश्योरेंस कंपनी है जिनका नागपुर में हमने 2000 स्क्वायर फीट का कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया हुआ है। टाटा कैपिटल में भी हमने रेजिडेंशियल 3 BHK फ्लैट किया हुआ है, ये दूसर के डॉक्टर क्लाइंट है हमारे, उनके लिए हमने किया हुआ है। बाकी वर्टिकल गार्डन और लैंडस्केप, ये हमारा एक और एक वर्क है। रिसेंटली हमने महिंद्रा ट्रैक्टर्स के लिए हमने कुछ काम किया हुआ है, उनके लिए कंटिन्यूस काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी वो ट्रांसलेट ग्रामीण इंडिया करते हैं जो टावर बनाती हैं, उनके लिए भी हमने काम किया हुआ है। नेक्स्ट, कस्टमर रिव्यूज है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति इनको कुछ रिव्यूज उन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट, कस्टमर्स तो सभी अच्छे ही होते हैं, मैं उनके साथ कितना अच्छा सर्विस देता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरा बिलीव है। मेरे लिए स्पेसिफिक आस्क यही रहेगा कि मैं नागपुर के जितने भी रेनोवेट बिल्डर्स हैं उनके साथ में कुछ काम कर सकूं, आप मुझे उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे काम में एक ऐसा प्रोफेशनली सभी लोगों की सर्विसेज लगती है। मेरे अभी के रिसेंटली प्रोजेक्ट्स में संपर्क के काफ़ी सारे लोगों ने काम किया हुआ है और आने वाले समय में हम लोग एक साइट विजिट भी रखेंगे, वो नियर टू कंप्लीशन है साइट, तो आप सभी को मैं उसमें इन्वाइट करूँगा, जस्ट हैव अ लुक कि सभी लोगों ने कैसा काम किया है। Thank you so much once again, Amit Gawadkar from Design Group.